संसदीय सचिव साहब घराराम जी से मिला था। मेरी पत्नी को पत्नी के साथ उसके माँ बाप ने शादी से पूर्व 5-6 साल तक वेश्यावर्ती का धंधा करवाया था और पैसे कमाए थे, जिससे उसकी बार बार गर्भपात करवाया था। उससे बच्चेदानी शादी से पूर्व बाहर आ गई थी गर्भपात के दौरान। तो इनके ऊपर मुकदमा करीबन 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया, मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस जाँच अधिकारी डिप्टी रामनिवास जी की मिली भक्ति से अभी तक कोई मुझे गिरफ्तार नहीं किया है। और मेरी पत्नी मरने के कगार पे बच्चेदानी शरीर से बाहर लटक रही है। यदि मर गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? यदि मैं अभी इलाज भी कराऊँ लेकिन डॉक्टरों से मिले हुए उनकी सेटिंग पैसे फेंक रहे हैं तो मेरे को क्या पता है? कितना टाइम हो गया? करीबन 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है मामला दर्ज करवाया। किस अभी तक तो जैसे IG साहब से मिल के आया एक बार और UIT चेयरपर्सन प्रियंका चौधरी से भी मिल चुका हूँ, SP से भी मिला, हमारे शिवाना विधायक अमित सिंह जी भैल से भी मिला, कर्नल साहब से भी मिला, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। अभी मुलजिमों को गिरफ्तार करें और मुझे न्याय दिलाए। न्याय नहीं मिलेगा आगे जाऊंगा, लेकिन लेडीज मर गई थी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो जवाब नहीं। SP साहब से मिला, SP साहब बोल रहे हैं कि तेरी पत्नी की सिस्टर बोल रही है कि ये मामला झूठा है। अब SP साहब भी मेरी पत्नी की नहीं मान रहे और उसकी सिस्टर का मान रहे। अब क्या होता है? मैं तो न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ, मेरी इसमें क्या गलती? मैं तो इनको न्याय दिलाने के लिए मेरी वाइफ को दौड़ रहा हूँ एंड मेरा पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है।